आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आमतौर पर एनीमिया को लोग छोटी बीमारी समझते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कई अन्य बीमारियों को जन्म देती है। प्रतिवर्ष 4 मार्च को विश्व एनीमिया दिवस मनाया जाता है। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन एवं मेडिकल और हेल्थ मैगजीन सेहत एवं सूरत और एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से एनीमिया अवेयरनेस पर प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी एनीमिया के बारे में जागरूक करने के साथ ही उसके कारण, खतरों, बचाव और इलाज की जानकारी देने के लिए एक स्वास्थ्य रथ तैयार किया गया, जिसमें वॉलंटियर्स ने लोगों को होम्योपैथिक इलाज तथा खान पान के बारे में जानकारी के साथ साथ बुकलेट भी निःशुल्क प्रदान की। 28 फरवरी को सांसद शंकर लालवानी द्वारा रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया गया था। वहीं 4 मार्च को रथ यात्रा का समापन होटल अमर विलास AV रोड पर हुआ, जहां पर निःशुल्क अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस सेमिनार आयोजित किया गया। निःशुल्क सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया था। डॉक्टर AK द्विवेदी ने बताया कि दांतों या मसूड़ों से लगातार खून निकलना, लंबे समय तक मासिक धर्म की समस्या से ग्रस्त रहना और पाइल्स की वजह से मल से खून आना, इनमें से किसी भी कारण से व्यक्ति अप्लास्टिक एनीमिया का शिकार हो सकता है। कई लोग बुखार, जोड़ों के दर्द या स्किन की समस्या की दवाई खुद ही लंबे समय तक लेते रहते हैं, उन्हें भी अप्लास्टिक एनीमिया होने की आशंका ज्यादा रहती है। बगैर डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक किसी भी दवाई को लेना एनीमिया को आमंत्रित करता है। कीमोथेरेपी के कारण भी एनीमिया होने का खतरा रहता है। हम ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। यदि लोग शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बनाए रखें और नियमित हीमोग्लोबिन की जांच करवाते रहें तो एनीमिया सहित कई बीमारियों से बच सकते हैं। सेमिनार को सांसद शंकर लालवानी ने भी संबोधित किया। वहीं कुछ पुस्तकों का विमोचन भी श्री लालवानी के कर कमलों से हुआ। सेमिनार में डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी, डॉक्टर नेहा गुप्ता, डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, डॉक्टर विपिन शर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद शंकर लालवानी के साथ ही डॉक्टर AK द्विवेदी, डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी, राकेश यादव, दीपक उपाध्याय, पीयूष पुरोहित, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र पुरी, डॉक्टर ऋषभ जैन उपस्थित थे। लेकर पिछले दिनों जनजागरण रैली के रूप में एक रथ प्रारंभ किया था डॉक्टर द्विवेदी जी क्लिनिक से। और ये प्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है, एनीमिया तो हमने सुना था कि ब्लड की कमी होती है, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसमें इतनी बीमारियों से जिसको होती है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटिनेट कम हो जाते हैं और जीने और मरने का संघर्ष उनके बीच में रहता है। और वास्तव में जिन गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को होता है वो पूरा परिवार प्रभावित होता है। आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। हमने आज कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिले, बालिकाओं से मिले, जिन्होंने आयुर्वेदिक में डॉक्टर द्विवेदी जी का इलाज किया और जिनका हीमोग्लोबिन 3.5 था आज 10 से ज़्यादा है। प्लेटिनेट 10,000 थे, आज 1,00,000 से ऊपर हैं। तो वास्तव में इस माध्यम से भी प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी को दूर किया जा सकता है। और उसका जनजागरण पिछले दिन किया, उसका समापन है, पुरस्कार भी बांटे गए। मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए।
चुनाव के नजदीक 4 मार्च को अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे पर एक सेमिनार रखा है। 4 मार्च को पूरा विश्व अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस पर प्रोग्राम आयोजित करना पड़ता है। जो भी डे हम लोग मनाते हैं उसका उद्देश्य होता है कि उससे रिलेटेड जानकारी लोगों तक पहुंचाना। अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की बीमारी है। इसमें शरीर में बोन मैरो कार्य करना बंद कर देता है। बोन मैरो कार्य नहीं करने के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और उसमें कहीं से भी रक्त स्राव हो सकता है। मरीज जो हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि उनके नाक से ब्लड आता है, आँख से ब्लड आता है, दाँत से गम से ब्लीडिंग होती है, यूरिन में ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड आता है। और महिलाएँ जो आती हैं स्पेशली वो बताती हैं कि उनका पीरियड तो 3 महीने से 6 महीने तक लगातार चलता रहता है। तो लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपको इस तरह की कोई भी परेशानी होती है तो आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। हमारे पास एक पेशेंट आई हुई है जो दिल्ली से आई हुई है, जिसको 2019 में अप्लास्टिक एनीमिया हुआ था। उसका हीमोग्लोबिन 3.5 रहता था और प्लेटलेट्स 10,000 रहते थे। उसको हर हफ्ते ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। अक्टूबर 2019 में हमारे पास आए और हमने जब ट्रीटमेंट चालू किया तो मार्च 2020 में लॉकडाउन हो जाने के बाद भी उनको दवाई लगातार हम लोग पहुंचाते रहे और अप्रैल 2020 से आज मार्च 2021 तक उसको एक बार भी ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसका पीरियड जो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग रहता था वो भी पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। तो मैं लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि आपको अगर कहीं से भी रक्त स्राव हो रहा है तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। लोग क्या सोचते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा, ऐसे ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे ब्लीडिंग नहीं हो रही है। यदि आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है बिना कोई चोट लगे, बिना कोई घाव हुए, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जाँच कराना चाहिए। लोग देर करते हैं, उससे क्या होता है कि लोगों को कमजोरी चक्कर आकर के गिर जाते हैं, तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब अचानक से जाँच होता है, CBC कराई जाती है तो पता चलता है कि हीमोग्लोबिन 3 ग्राम आ गया और प्लेटलेट 5,000-15,000 आ गया। तो आप ऐसी नौबत नहीं आने दें। सबके आसपास डॉक्टर हैं, सबके आसपास लैब है, तो आप रूटीन चेकअप कराते रहें। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो इम्यूनिटी कैसे बेहतर होगी? लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं लेकिन हीमोग्लोबिन की बात नहीं करते हैं। तो हम लोग एक रथ चलाया 28 फरवरी से 4 मार्च तक 5 दिवसीय। उस रथ के माध्यम से हम 50,000 घरों तक पहुँचे, 50,000 लोगों तक पहुँचे। उनको ये बताया कि अगर आपको सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, कमजोरी रहती है, कमर दर्द होता है या बुखार जैसा हमेशा बना रहता है तो ये लक्षण एनीमिया के हो सकते हैं। अगर आपको सीढ़ी चढ़ने में श्वास की परेशानी हो रही है, दम भर रहा है, तो ये भी लक्षण एनीमिया के हो सकते हैं। आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं आप उससे भी खून बढ़ा सकते हैं, जैसे गुड़ चना है, पालक है, पनीर है, बादाम है। इस तरीके का जब लोगों को समझाया तो लोग बहुत खुश हुए और हमारे इस कार्य की बहुत सराहना किया। लोगों ने बताया कि जो जानकारी उनको मोटी फीस देने के बाद भी नहीं मिल पाती थी वो जानकारी उनको घर में निःशुल्क इस रथ के माध्यम से मिली, तो उसके लिए लोगों ने बहुत सारा हमको धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टरों ने भी हमारे इस अभियान की सराहना किया। हमारे सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने उस रथ को हरी झंडी देकर के रवाना किया था। सांसद जो होता है वो शहर का प्रतिनिधि होता है, तो उनके माध्यम से हमने यह अभियान चलाया था और आज उसका हमने समापन भी किया। समापन